मैं पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में आज एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एफिडेविट या शपथ पत्र क्या होता है इस बारे में आपको जानकारी दूंगा। एफिडेविट जो होता है वो किसी भी तथ्य को सिद्ध करने के लिए एक शपथ पर दिया गया कथन के रूप में स्टैम्प पेपर पर दिया जाता है, जो ओथ कमिश्नर साधारणतः कोर्ट के मामलों में जहाँ कोर्ट में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करना है एफिडेविट के शेप में, तथा नोटरी द्वारा अथोराइज जो कानून के द्वारा होते हैं इनके द्वारा उसको बनाया जाता है, अटेस्ट किया जाता है। गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं उनके समक्ष जन्म से संबंधित, शादी से संबंधित, मृत्यु से संबंधित कोई भी तथ्य प्रमाणित करने के लिए शपथ पत्र दिया जाता है। और कोर्ट में जो भी साक्ष्य है उसको भी कई बार साक्ष्य न लेकर जजेस बोलते हैं आप आदेश 18 के तहत अपना शपथ पत्र गवाह बयान के रूप में पेश कीजिए, तो उसको कोर्ट के समक्ष पेश करने के लिए ओथ कमिश्नर से कराकर कोर्ट में स्टैम्प पर अपना बयान प्रस्तुत किया जाता है। चेक बाउंस आदि के केस में भी इस तरह के एफिडेविट कथन के रूप में प्रस्तुत होते हैं, उसमें कोर्ट का नाम ऊपर डाला जाता है शपथ पत्र के अंदर। कोर्ट में जैसे गवाही देनी है उनमें सब में ओथ कमिश्नर के द्वारा एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट के रूप में दिया जाता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी इस तरह के शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं। अब ये जिन शब्दों में आदमी अपनी सारी बात को लिखता है वह सही होनी चाहिए, उसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं जाना चाहिए। जैसे किसी भी व्यक्ति ने परीक्षा में मान लीजिए उदाहरण के तौर पर 3 साल या 2 साल का गैप लिया है और घर पर रहा है, तो इस तथ्य का शपथ पत्र व एफिडेविट के रूप में देगा, जो स्टैम्प ड्यूटी 10 रुपये की भी हो सकती है, 20 रुपये की भी हो सकती है, 100 या 50 रुपये की भी हो सकती है। ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग स्टैम्प ड्यूटी होती है कोर्ट फीस के रूप में। ये ओथ एक्ट 1969 के तहत होता है। सेमी जुडिशियल जो बॉडीज होती हैं जैसे MCD वगैरह रहती हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन DDA या RDA इस तरह की बॉडी रहती है। तो इस तरह के शपथ पत्र में आदमी को जो भी शपथ पत्र जहाँ भी प्रस्तुत करना होता है उसमें सिंपली एक तो जैसे किसी भी एजुकेशनल गैप के लिए एफिडेविट मांगा जाता है, किसी की मृत्यु हो जाने के तथ्य को सिद्ध करने के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ, कोई डेट ऑफ बर्थ में चेंज आदि है, नाम परिवर्तन आदि का है, क्यों बनवा रहे हैं इसका कारण लिखना होगा, किस कारण से आप ये शपथ पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं अपने समर्थन में। उसके अलावा शपथ पर उसमें ये डिक्लेरेशन देना होगा कि जो भी तथ्य उन्होंने बताए हैं आप बता रहे हैं वो सही हैं, आपके ज्ञान और उसमें कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है। इसके अलावा नोटरी या ओथ कमिश्नर उसे अटेस्ट करेगा, एटलीस्ट उसमें 2 गवाह होंगे, विटनेस होंगे। अपने ओथ कमिश्नर से कोर्ट के समक्ष एफिडेविट को सत्यापित कराकर प्रस्तुत किया जाता है। सरकारी और गैर सरकारी जो नोटरी होते हैं वो इसको करते हैं। और इसमें मुख्य तौर पर अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर कोई शपथ पत्र पर कोई अभिकथन करता है और वो झूठा पाया जाता है तो धारा 419 IPC के तहत चीटिंग बाय परसोनेशन के लिए भी उसे अपराध के लिए दंडित किया जा सकता है। इसमें अगर कोर्ट के समक्ष कोई जानबूझकर झूठा कथन देता है तो धारा 340 CRPC दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कोर्ट उसके ऊपर कार्यवाही कर सकती है, जिसमें 7 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है। गलत अगर एफिडेविट देता है और वो चीटिंग फैक्ट्स के आधार पर उस तरह का पाया जाता है तो धारा 419 के तहत उसे 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। तो इस प्रकार कोई भी तथ्य प्रमाणित करने के लिए शपथ पत्र के रूप में या जो भी आप शपथ पत्र शपथ पर FIR के रूप में ये करते हुए मैं ये इन तथ्यों को जो भी बोल रहा हूँ वो दस्तावेज पर लिखा जाएगा, कोर्ट फीस के रूप में सर उसमें स्टैम्प पेपर पर होगा, उसका सत्यापन होगा, उन तथ्यों का समावेश होगा, किस कारण से शपथ पत्र दिया जाएगा इसका उल्लेख होगा, और जैसा कि मैंने बताया कोर्ट में एविडेंस आदि के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है आदेश 18 के रूप में। तो एविडेंस बाय वे ऑफ एफिडेविट जो कि ओथ कमिश्नर द्वारा अथोराइज होता है, नोटरी और ओथ कमिश्नर इसमें अधिकृत होते हैं। तो इस प्रकार सामान्य किसी भी कार्यालय जो सरकारी या गैर सरकारी से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक इन शपथ पत्रों का ओथ एक्ट 1969 के तहत शपथ पर कथन दिया जाता है और इसकी विधिक मान्यता होती है। लेकिन यदि जानबूझकर कोई व्यक्ति झूठा शपथ पत्र देता है तो वो उसमें कानून में उसे दंडित किए जाने का भी प्रावधान है। इस प्रकार मैंने आपको एफिडेविट शपथ पत्र या हलफनामा भी इसको उर्दू में बोलते हैं
से संबंधित सरल भाषा में प्रावधानों को बतलाया। आशा करता हूँ मैं इस चैनल के माध्यम से जो भी भिन्न भिन्न टॉपिक आपको बतला रहा हूँ वो सामान्य रूप से आप लोगों की समझ में आता जा रहा है। जैसा कि कहा गया है कि कानून की अनभिज्ञता कोई बहाना नहीं, कोई व्यक्ति यह बहाना नहीं ले सकता या आधार नहीं ले सकता कि उसे कानून का ज्ञान नहीं था। इस चैनल के माध्यम से मैं विभिन्न कानूनी विषयों पर आपको जानकारी समय समय पर दे रहा हूँ और देता रहूँगा। अब आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल पैरामीटर ऑफ लॉ तथा अपने दोस्त, साथियों, रिश्तेदारों और जो भी आपके संपर्क के लोग हैं उनको भी लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।